आज के वीडियो में मैं आपको लेकर के चलूंगा इग्लू के बारे में बहुत रोचक जानकारी के इस सफर पर, जिसको जानने के बाद भारत के अंदर एकमात्र मनाली के सेथान विलेज में इग्लू कैंप में शायद आप जाए बिना नहीं रह पाएंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप इसी तरीके के इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही में लगे बेल आइकन को। चलिए आज चलते हैं इग्लू के इस बहुत ही रोमांचक सफर पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इग्लू में नहीं रहते हैं पेंगुइन। आपने अधिकतर कार्टून फिल्मों और वीडियो में देखा होगा कि इग्लू में पेंगुइन रहते हैं, पर असल बात तो यह है कि इग्लू में पेंगुइन नहीं बल्कि इंसान रहते हैं। उन्हें एस्किमो कहा जाता है। वे खास तौर पर पृथ्वी के उत्तरी हिस्से यानी आर्कटिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहां के मूल निवासियों को इनजुट कहा जाता है। पहली बार इग्लू को इनजुट लोगों ने ही बनाया था, बाद में दूसरी जगह के एस्किमो ने इग्लू बनाना शुरू कर दिया। क्या है एस्किमो का अर्थ? सुनने में अजीब है ना यह शब्द। यह दरअसल अमेरिका का एक मूल शब्द है जिसका मतलब होता है कच्चा मांस खाने वाले व्यक्ति। यह नाम उन्हें 16वीं शताब्दी में दिया गया था। अलग अलग जगहों के एस्किमो को बोली और भाषा पर इनको अलग अलग स्तरों पर बांटा जाता है। कैसे होते हैं एस्किमो? एस्किमो आर्कटिक क्षेत्रों के अलावा ग्रीनलैंड, कनाडा, पूर्वी रूस के आर्कटिक क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। वर्तमान में लगभग 135,000 लोग इस समुदाय से जुड़े हुए हैं। पारंपरिक तौर पर एस्किमो को ठंड से घिरे वातावरण में रहने की आदत हो जाती है। बर्फ की वजह से वहां पेड़ नहीं उग पाते, इन्हें उससे मांस खाकर ही जिंदा रहना पड़ता है। वे सील, वेल मछली का मांस भी खाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं इग्लू? आइए जानते हैं। एस्किमो गर्मियों के लिए घर बनाते हैं और ठंड के लिए अलग घर बनाते हैं। ठंड वाले घर को इग्लू कहा जाता है। इग्लू का मतलब होता है बर्फ का घर। क्योंकि ठंड के दिनों में वहां का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, इसलिए ठंड से बचने के लिए एस्किमो इग्लू का निर्माण करते हैं। इग्लू बनाने के लिए वे ठोस बर्फ के टुकड़ों को आपस में जोड़ देते हैं। इग्लू के अंदर किसी व्यक्ति का दम ना घुटे, इसलिए इग्लू की छत पर एक छेद भी किया जाता है। कई बार इग्लू को बाहर से कंबलों से भी ढक दिया जाता है ताकि अंदर पे गर्मी अंदर ही रहे, बाहर ना जाए। इग्लू तूफान आने पर टूटे नहीं, इसलिए उसे गुंबद का आकार भी दिया जाता है। कई बार सील या कैरिबू वहां का हिरण के चमड़े से खिड़की भी बनाई जाती है। इग्लू को बनाने में कम से कम 1.5 घंटे का वक्त लगता है या कई दिन भी लग सकते हैं। इग्लू कैसे रहता है अंदर से गर्म? दोस्तों, आप में से लोगों में बहुत उत्सुकता है इस सवाल को जानने की, तो आइए बताते हैं। जिस तरह से रजाई या स्वेटर हमारे शरीर की गर्मी को अंदर रोककर हमें गर्म रखते हैं, उसी तरह बर्फ के घर भी अंदर रह रहे लोगों के शरीर के उत्पन्न गर्मी को बाहर नहीं जाने देते। यही वजह है कि ठंड से बचने के लिए एस्किमो इग्लू बनाते हैं और इग्लू अंदर से हमारे शरीर की गर्मी की वजह से गर्म रहते हैं। इग्लू वाले होटल। कई देशों में इग्लू जैसे होटल बनाए जा रहे हैं। लोग इनमें ठहरकर इग्लू में रहने का अनुभव लेते हैं। लोग रात को इन इग्लू की खिड़कियों से बाहर का मनोरम दृश्य देखते हैं। यह देश है स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया आदि, और अब तो भारत में भी इग्लू कैंप शुरू हो गया है। तो दोस्तों, यह मैंने कुछ आपको रोमांचक जानकारी दी इग्लू के बारे में। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। और आप भी अगर मनाली का इग्लू कैंप बुक करवाना चाहते हैं तो मनाली इग्लू की साइट पर जाएं और उसको बुक कराएं।